अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी और महासागरों का अध्ययन करने के अपने मिशन पर एक और उपलब्धि हासिल करते हुए तीसरी बार ही मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च किया। 27.5 घंटे की उल्टी गिनती के बाद लगभग 52 मीटर लंबे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F-14 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनसेट 3DS के साथ उड़ान भरी। लगभग 20 मिनट की उड़ान के बाद DOA-ZEUS-14 की ग्रावजनी इनसेट 3DS को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑनऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है कि अंतरिक्ष में तैनात हो गया भारत का सबसे एडवांस खबरी लॉन्च हुआ इनसेट 3DS सैटेलाइट। बात मौसम की है, लेकिन असलियत में उड़ा दिया चीन के होश दोस्तों। अब आखिर इसरो ने फिर रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से इनसेट 3D सैटेलाइट लॉन्च मिलेगी। मौसम की सटीक जानकारी दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 6 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार तैनात कर डाला है। वह भी ऐसी है एक्यूरेसी के साथ में कि अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने लगा, क्योंकि दोस्तों भारत एक ही तीर से कई निशाने साध रहा है। इस बार ना मौसम सैटेलाइट का लिया जा रहा है, लेकिन क्या यह वास्तव में एक मौसम सैटेलाइट ही है या फिर गणित कुछ और ही है? क्योंकि दोस्तों, इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही खेल किया था, और अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसके साथ ही दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा खेल किया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है तो नासा भी इसरो की तकनीक से चौंक गया है। सबकी नज़र तो सूरज के मिशन पर टिकी हुई थी, लेकिन उसी दौरान इसरो ने किसी हथियार पर काम किया है जिसके खुलासे से अब पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरी कहानी को उसकी तह तक जाने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसेट 3DS नाम की सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूँ, और उसके बाद आपको बताऊंगा इस इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और इसके बाद पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आने वाला वक्त स्पेस सेक्टर का होगा। स्पेस में ही होंगे, स्पेस में ही दुनिया के देशों के बीच जंग लड़ी जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत स्पेस की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, ये है इसरो का या ये कहे भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट नाम है। इट 3DS केवल सैटेलाइट नहीं है, असली खबरी लाल है जो अंतरिक्ष में 36,000 किमी की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत की सबसे भारी भरकम रॉकेट GSL-VFC शॉर्डर से लॉन्च की। दोस्तों, इसको लेकर के टीम इसरो ने कहा है कि किसी भी तरह की मौसम की सटीक इन्फॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन क्या यह बात बस इतनी सी है या कुछ और भी गणित के पीछे छुपा हो जो एक साथ कई सारे काम करने वाली है? तो दोस्तों, इनसेट 3 सैटेलाइट में 3A, 3T और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे होते हैं। और दोस्तों, अब तक की यह सारे के सारे सैटेलाइट्स भारत और हमारे आसपास के इलाकों में संचार तकनीक और मौसम संबंधी तकनीक को विकसित करने में मदद कर चुके हैं। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर तैनात किया जाता है, जिससे यह भारतीय इलाकों पर बारीक नजर रख पाते हैं। और इस बार तो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, उसका वजन 2275
किग्रा है और इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजन लगे हुए हैं। इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मेटारोल पेलोड भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और दोस्तों, उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती हैं। भारत के इस सैटेलाइट्स की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की खूब मदद कर चुका है। और बड़ी बात है कि हमारे पड़ोस देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट है। ये जमीन के साथ समंदर पर भी हर मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम इसरो को रूबरू करवाते हैं। और अब दोस्तों, जहां बात आती है कि इस चीन पर ध्यान किया जा सकेगा और मालदीप जैसे चिंदी देश का इलाज भी इसके जरिए कैसे होगा, तो दोस्तों बात यह है कि यह सैटेलाइट जितने मौसम का इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये उतनी ही जानकारी ये दुश्मन की हर गतिविधि भारत के पास पहुंचा देते हैं। मतलब हमारी नेवी से लेकर थल सेना के पास इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब दोस्तों, इसके जरिए भारत मालदीव श्रीलंका बांग्लादेश से लेकर बाकी पड़ोसियों की मदद करता है। लेकिन हाल ही में जैसा आपने देखा है कि मालदीव ने चीन की गोद में खेलकर दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया है, लिहाजा अब इसरो उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लिहाजा उसकी हालत इसके जरिए खराब होने वाली है। मतलब दोस्तों, इस सैटेलाइट मौसम का हाल बताएगा, उससे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों, इसरो हर बार सबको नहीं बताता है। इस सैटेलाइट के मामले में कुछ ऐसा भी होने वाला है जैसा कि इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के साथ किया है। तो दोस्तों, सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है, वह मैं आपको बताता हूँ। 132 दिनों तक ना अमेरिका को खबर लगी ना रूस को। पता इसरो आदित्य L1 के साथ भेजा था छुपा रुस्तम हथियार। दोस्तों, जैसा नासा दुनिया को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताता, वैसे ही अब इसरो हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को इसने L1 पॉइंट पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्त, इसी दौरान इसरो ने 132 दिनों तक दुनिया से एक राज छुपा कर रखा और अब इस मिशन का इसरो ने राज खोल दिया है, लिहाजा दुनिया चौंक उठी है। इसरो ने आदित्य L1 पर ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र को नापने वाले मैग्नेटोमीटर बूम को एक्टिवेट कर दिया है। यह 6 मीटर लंबा मैग्नेटोमीटर बूम L1 पॉइंट पर हेलो ऑन ऑर्बिट में तैनात कर दिया गया है। इसे अब तक बंद करके रखा गया था। इस मैग्नेटोमीटर बूम के अंदर 2 स्टेट ऑफ अत्यधिक सटीक फ्लक्स किट मैग्नेटोमीटर सेंसर लगी है, जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच के चुंबकीय शक्ति और उसके क्षेत्र को डिटेक्ट कर लेगा। फिर वह चाहे फील्ड बिल्कुल ही कमजोर क्यों ना हो, दोस्तों यह सेंसर स्पेसक्राफ्ट शरीर से 3 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर डिप्लॉयड की गई है। इतनी दूरी इसलिए रखी गई है ताकि आदित्य L1 के शरीर से निकलने वाले चुंबकीय शक्ति सेंसर पर अपना असर ना डाल पाए। 2 सेंसर की जरूरत इसलिए भी थी ताकि मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इस बूम के अंदर 5 सेगमेंट है जो इसे आसानी से मोड़ने और फैलने में मदद करते हैं। इन दोनों मैग्नेटोमीटर को सेट करने में 9 सेकंड इसरो को लगे हैं। फिलहाल दोस्तों, ये सटीक तरीके से दोनों काम कर रहे हैं और दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन भारत के पास में पहुंचाने वाले हैं जो भारत को अब तकनीकी क्षेत्र में भी मिलो आगे कर देगी। इसरो की इस शानदार सफलता को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने 2 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।